बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। पूजा, क्या तुम जानती हो केपी साहब अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे? लेकिन बेचारे करते भी क्या, कार्ड जो पहले बढ़ चुके थे। हाँ, पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साहब ऐसे क्यों हैं, मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मैकेनिक थे। एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी जिसके लिए वो करोड़पति बने। अरे एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, जानती हो उनके घर का नाम क्या है? क्या? पूजा हाउस। 20 करोड़ हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि ऐसा घर चाहिए था। पूरे शहर में ऐसी हवेली नहीं है, और इसीलिए उन्होंने राजा साहब की हवेली खरीद ली। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। और हाँ, अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। के बाद जब शॉफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी चल रही है। आओ पूजा, चले। हाय मिस्टर दीपक। हेलो सर। हाय दीपक। हाय लाली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए मैं आपको पैलेस दिखाता हूँ। आइए आइए, रामा रामा, क्या पैलेस है। मैं एक्सक्यूज मी दीपक जी, मैं इनको पैलेस दिखा दूँ। आइए भाभी जी, आइए आइए। सुना है केपी साहब ने यह महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा।
रामा रामा। ताज के नीचे तो सिर्फ मुमताज है, लेकिन इस शीश महल में कई राज दफन है पूजा जी। घबराइए नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा रामा रामा। पूजा, पूजा। दीपक बाबू बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। रामा रामा। अब मैंने कुछ नहीं देखा भाभी जी। रामा रामा, रामा रामा, रामा रामा। पूजा, अरे तुम ऊपर थी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। देख लिया महल? क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। नहीं तो। ये परेशान नहीं है, महल को देख के थोड़ी हैरान है रामा रामा। आओ चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें केपी साहब से मिलाता हूँ। रामा रामा। सर आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो, मैं तो कहता हूं भाइयों इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा? पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था, वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी, सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था, वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था, जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना, एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे घर से तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें?
तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर देवता बन के भी हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं।